doing that. Startup itself, it was actually a startup which is funded by Ramit and Kiran. नहीं, ये साउथ गोवा का योग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को मुझे एक आज देखने का अवसर मिला, और जैसे मैंने टीम को बोला है और हमारे मंत्री साहब को भी कहा है कि जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में सोचते हैं तो ऐसे हॉस्पिटल के बारे में कभी भी सोचते नहीं। ये बहुत ही एक साफ सुथरा मॉडर्न एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी यूज़ हुआ है और काफ़ी यहाँ पर एक इम्पैक्ट बना रहा है। और मैंने ऑफर भी किया है कि गोवा सरकार के साथ नेटी और स्किल डेवलपमेंट मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑपरेट करेंगे, काम करेंगे, ताकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे भी एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस के बारे में हम सोचें। यहाँ पर स्टार्टअप और इनोवेशन का एक इकोसिस्टम अराउंड मेडिकल एंड वेलनेस, उसको हम क्रिएट करें जॉइंटली काम करके। और मैं बहुत खुश हूँ आज इस अस्पताल को विज़िट करके, हमारे दोस्त और कॉलीग्स के काम को देखकर मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता और हैप्पीनेस महसूस हो रहा है। और मैंने कंग्रेचुलेट किया है सबको कि ऐसे ही काम करते रहे। तुमका जेव्हा जेव्हा सांगले की करून पावला पुढे घेत हा, आता आमचे जे कार्डियक आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजात जेव्हा सुपर स्पेशलिटीचे कार्डियक फेसिलिटी जेव्हा तयार जातली, ऑलरेडी ते स्पेसिफिकेशन्स एंड दोन तीन मशीन्स आम्ही कॅथलॅब्स ऑर्डर केल्या, ऑर्डर करपाचे मार्गार असं ते आता फायनल झाले स्पेक्स, ते एकदा मार्गार लागले की आमकां हांगा ताबडतोब आम्हाला करून, आम्ही जे शब्द दिला तो शब्द पाळून पुढे वचपाचो प्रयत्न असतो। ते बी त्यांनी आमकां सांगला की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग आज आम्ही एमओयू त्यांच्याकडे साईन करून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडे, म्हणजे आमचे प्रत्येक पीएचसी सीएचसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आम्ही कसे इंटिग्रेट करू शकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बहुत फ्युचर असा, ह्याचा उपयोग आम्ही कसे करू शकता, ॲडिशनल स्किलिंग हेल्थ सेक्टरात त्यांच्या माध्यमातून कसे करू शकता, ह्या सगळ्या गोष्टी पुढे बरोबर।